नमस्कार दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने खाते से एटीएम के द्वारा पैसा निकालने गए और एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड फंस जाता है, तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कैसे अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से निकालना चाहिए, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो से बने रहना, स्किप मत करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों, सबसे पहले आपको इन बात पे ध्यान देना चाहिए कि नज़दीकी सिक्योरिटी गार्ड से संपर्क करें। अगर सिक्योरिटी गार्ड आपकी सहायता कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने रिश्तेदार, दोस्त या संबंधी से भी मदद ले सकते हैं। अगर वो भी आपकी मदद करने में असमर्थ रहा तो आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करके एटीएम मशीन के मैकेनिक को बुला सकते हैं। दोस्तों, अपरिचित लोगों से अपनी मदद ना लें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर 15-20 मिनट वेट किया जाए तो एटीएम कार्ड अपने आप ही एटीएम मशीन से आसानी से निकल सकता है। दोस्तों, इस वजह से आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एटीएम कार्ड में कोई छेड़खानी ना करें, ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं और धैर्य रखें, बड़ी सावधानी से एटीएम कार्ड निकालने की कोशिश करें और अगर फिर भी नहीं निकलता तो हेल्पलाइन पे फ़ोन करके आप मैकेनिक बुलवा सकते हैं। तो वीडियो इसी पे स्किप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।